नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज यमुना नदी को लेकर आई है। यमुना नदी ने तांडव मचा दिया है, आप सीधा लाइव देख सकते हैं। आसपास के दोस्तों घर पानी में गिरने लगे हैं, कटान तेजी से हो रही है जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों उस्मानपुर पुस्ते के अंदर भयंकर बाढ़ आ गई है जिसकी वजह से पूरा इलाका खाली करना पड़ा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है, लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा दोस्तों पैदा हो गया है। पहाड़ी इलाकों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ऐसे में यमुना का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है और कटान आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मिट्टी दोस्तों बह रही है। न्यू उस्मानपुर तीसरा पुस्ता यमुना खादर में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। सरकारी तंत्र की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोग दोस्तों परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। न्यू उस्मानपुर यमुना खादर गांव के पास सैकड़ों परिवार रहते हैं और उन्होंने अपना सामान समेट लिया है। पूरे सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं क्योंकि उनके पूरे घर दोस्तों पानी में मिल गए हैं। पानी के तेज बहाव के कारण उनके घर भी बह गए हैं, कई जानवरों की मौत हो गई है, हालात बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों पर पिछले 4-5 दिन से अत्यंत भीषण भारी बारिश हो रही है, जगह जगह बादल फट गए हैं। साथ ही भूस्खलन की घटना भी सामने आ रही है जिसके चलते हरियाणा यूपी दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों इलाके में बाढ़ के पानी में कई वाहन दोस्तों बह गए हैं। बाढ़ में दोस्तों झुग्गी झोंपड़ी भी बह गई है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को दोस्तों सतर्क किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि मंगलवार रात से ही यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी मानपुरा यमुना खादर गांव तक पहुंच गया है। सुबह होते होते पानी यमुना खादर इलाके में तेजी से फैल गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव डूब गया है। जबकि आपको बता दें प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था क्योंकि दोस्तों हथनी कुंड बैराज से 295,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हरियाणा के लगभग दोस्तों 135 गांवों के अंदर भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया था और अब फिर से भारी से अत्यंत भारी बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के अंदर गंगा, राप्ती, रोहिणी, गोर्रा ये सभी नदियां उफान पर चल रही हैं। आप सभी से विनती है कि यमुना नदी के आसपास भूलकर भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और भारी भयंकर बारिश के चलते बाहर ना निकलें क्योंकि भयंकर वज्रपात हो रहा है। जर्जर मकान के अंदर भी ना रहें क्योंकि मकान पूरी तरीके से गल गए हैं। लगातार दोस्तों दीवारें गिर रही हैं और अब तक सैकड़ों लोगों की मौत भी हो गई है। इसलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।